ये कौन से बॉलर आ गए थे भाई अचानक कि ये 8 ओवर के अंदर जो 7-8 विकेट ले चुके, वही बॉलर थे ना। बुमराह ने तो 1 विकेट भी नहीं लिया था, उसको कुटाई हुआ और सिराज को चौके लग रहे थे। अच्छा हमारे टीम को तो ये समझ में मुझे नहीं आ रहा है कि एक टुक दूसरा टुक तीसरा टुक, 5 बॉल टुक किया, 6 बॉल में 1 रन बना लिया। भाई स्ट्राइक तो रोटेट करो, दे रहे ऑस्ट्रेलिया भी 99% 1%। आपका मैच ही क्या रह गया, साउथ अफ्रीका बम्बू करने के लिए तैयार है। सही है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक नई वीडियो में आपको खुशामदीद कहते हैं। हकीम साहब हमारे साथ मौजूद हैं। पाकिस्तान तो हार चुका है इंडिया से, इंडिया की अगर हम बात करें खास तौर पर रोहित शर्मा की, तो रोहित शर्मा ने कैप्टेंसी हासिल करने के बाद उसकी जो अप्रोच है उसमें तब्दीली आई। अगर हम 2019 की बात करें उसमें वो रन ऑफ बॉल परफॉर्म करते थे या जो है ना चंद गेंदों का उसमें फर्क होता था, लेकिन आप एशिया कप में और जो वर्ल्ड कप चल रहे हैं अफगानिस्तान की इनिंग में, पाकिस्तान के खिलाफ इनिंग में उन्होंने आड़े हाथों लिया बॉलर्स को और आते साथ ही अटैक किया। तो हकीम साहब ये एक प्लानिंग का हिस्सा है, स्ट्रेटेजी का हिस्सा है, और क्योंकि रोहित शर्मा ने भी इसका जिक्र किया, चाहे कंडीशन और सिचुएशन जैसी भी हो, अब जो है ना मैं खेलना चाहता हूँ, जो मेरा फॉर्मेट है अटैक करना और मैं इसी तरह खेलूंगा। और काफी रिस्की शॉट उन्होंने कहा कि पिछले इनिंग्स में मैंने लगाए हैं, उस पर वो आउट भी हो सकते हैं, लेकिन उसकी उन्होंने परवाह नहीं की। तो एज अ कैप्टन क्योंकि पूरी टीम को लीड करता है, अगर हम बाबर आजम की बात करें वो तो अपने प्लेयर को यही कहेगा शुरू में कि विकेट नहीं देने, आप रोक के खेलो, वो नजर भी आ रहा है हमारी टीम में। दूसरी जानब कम टारगेट के बावजूद आकर ये सोचना कि आते साथ ही अगर मेरी विकेट गिर जाती है पहली बॉल पर तो पूरी टीम प्रेशर में आ जाएगी, अगर कैप्टन पहली बॉल पर गिरेगा, इसको बगैर किसी डर के वो पहली बॉल पर चौका लगा रहा है। तो इस अप्रोच को आप क्या समझते हैं, क्या वाकई ये मैनेजमेंट का एक प्लानिंग का हिस्सा है या रोहित शर्मा की अपनी मर्जी है? नहीं, रोहित शर्मा की जो है ना मर्जी है, और अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन जो है ना, एज अगर मैं कोच होता तो मैं यही कहता कि आपको स्ट्राइक जो है रोटेट करना है, और शुरू के जो 15 ओवर है जो फील्डर जो है करीब रहते हैं, तो उसमें जो 5 फील्डर करीब रहने से मैं कहता हूं कि मार के खेलो, क्योंकि जो डर गया वो मर गया। तो मतलब रोहित शर्मा एज अ हिटमैन, हिटमैन सही कर रहा है, क्योंकि देखिए शुरू के जो 10 ओवर में जो होता है फील्डर जो है ज्यादातर करीब होते हैं, और उनके ऊपर से जो मार लोगे तो एक तो आप हीरो बन सकते हो, 50 रन बनना आसान होता है। ये कोई अगर बना लेता 40-50 रन शुरू के ओवर में तो ये कोई उतना बड़ा महान वाला काम नहीं किया। मेरे ख्याल से जो है शुरू के 15 ओवर में आप बना सकते हो तो, और हिटिंग करो, उस हिटिंग में ये हो सकता है दो बात है, या तो आप 15 ओवर के अंदर 100 स्कोर कर लोगे, या फिर ये होगा कि आपके विकेटें गिर जाएगी। जब अगर आपका देखोगे जब विकेटें जो है गिरना शुरू हो गया, जैसे मिसाल के तौर 10 ओवर में 3 विकेट गिर गया, और लेकिन अगर स्कोर 70 है 10 ओवर में और 3 विकेट गया तो फिर आप ठीक है, लेकिन स्ट्राइक रोटेट करते रहो, सिंगल डबल करो, चौका पे जाओ, छक्के पे नहीं जाओ। लेकिन अगर आप देख रहे हो कि भाई मैं शॉट लगा रहा हूँ रिदम पे, एकदम छक्का या चौका जा रहा है, जो आज आपको नजर आया कैप्टन शर्मा गिल से हमने जल्दी छुटकारा हासिल किया, उसके बाद विराट कोहली की विकेट भी जल्दी गिरी, वरना विराट कोहली इतनी आसानी से आउट नहीं होते। विराट कोहली के विकेट गिरने के बाद अगर रोहित शर्मा अपनी गलती की वजह से जल्दी आउट हो जाते ना तो ये मैच इनके हाथ में आसानी से नहीं आता, क्या कहेंगे आप? नहीं नहीं, इंडिया तो समझ लीजिए मैच जीत चुका है। मैंने आपको पहले ही कह दिया था कि जो स्टार्ट जो उसने दिया था ना स्टार्ट, तो उस स्टार्ट से मेरे हिसाब से नो डाउट कि इंडिया को कोई मैच चला सकता है। 13 ओवर कुछ गेंद में तो मेरे ख्याल सेंचुरी मार चुका था, टीम जो सेंचुरी था। तो जब देखिए अगर मैं क्या कह रहा हूँ कि अगर 100 रन बन जाता 12-13 ओवर में, और कुर्बानी मुझे पीछे 3 विकेट का देना पड़ता है और 13 ओवर में, तो कोई मतलब बुरा नहीं था। अगर क्या बोलते हम 15 ओवर के अंदर 150, 130, 140 में 4 विकेट मिल गया, हम क्या कहते हैं उसके बाद कहते सिंगल डबल और जो है ग्राउंड शॉट्स खेलो, चौके पे जाओ, छक्के पे मत जाओ, ठीक है। अब वो बाउंसर बॉल को छोड़ो, वाइड बॉल लेग पे जो है मिकी आर्थर पता नहीं किस चीज का कैच ले रहा, समझ गया वाइड बॉल जा रहा है लेग पे, उसको वो टच कर रहा है। इसी तरह इफ्तिखार भी जो है उसको आउट नहीं किया, खुद हुआ है आउट, तो ये चीज सब समझाया नहीं जा रहा है। दूसरी बात है जो वो 140-130 अगर 15 ओवर में बन जाते हैं और 4 आउट होते हैं, स्ट्राइक सिंगल डबल सिंगल करते हुए ये फायदा हो जाता कि 25 ओवर में हम 200, हम जब बंदा जब जितने भी जो है उसको बॉल ज्यादा खेलने के बाद फेस करने के बाद वो क्या कहते हैं एक्सपीरियंस के बाद गेंद तो मुझे लगता है फुटबॉल समझना चाहिए, यहाँ हमारे खिलाड़ी बोल्ड हो जाते हैं, तो 50 बनाने के बाद हम फिर हिटिंग पे जाने का मशवरा देते और हिट करो। तो मेरे ख्याल से 300-350 रन इस इंडिया के पिच पे कोई स्कोर नहीं है, और इंडिया घबरा गई थी। एक बात मैं बताऊं, जिस तरीके से जब आपने 160 मार दिया था 30 ओवर में,
हाथ पांव सब फूल चुके थे। आप सोचो ना 30 ओवर में विकेट नहीं मिला, ये कौन सा बॉलर आ गए थे भाई अचानक कि ये 8 ओवर के अंदर जो 7-8 विकेट ले चुके वही बॉलर थे ना। बुमराह ने तो एक विकेट भी नहीं लिया था, उसको कुटाई हुआ और सिराज को चौके लग रहे थे। बॉल इतना भी पुरानी के बाद तो रन बनता है आखिरी में 15-20 ओवर में भाई, आप स्कोर बनता है। बार बार कह चुका कमेंटेटर क्योंकि गेंद इतना सा नजर नहीं आता, फिर वो इतना बड़ा फुटबॉल नजर आता है, फिर आप शॉट्स मारने का बनते। कौन सी क्रोनोलॉजी है गेंद फुटबॉल नजर फुटबॉल नजर आता है? देखिए मैं बता रहा हूँ अपने एक्सपीरियंस के, जैसे मैं कह रहा हूँ ना कि ये लोग तो बस सैलरी ले रहे हैं, हरामखोरी कर रहे हैं, समझ से बाहर है। लेकिन मिकी आर्थर हम रोहित शर्मा की बात कर रहे हैं के आगे आने वाले दिनों में वो इसी फॉर्मेट से खेलेंगे या थोड़ी बहुत तब्दीली नजर आएगी जब सेमीफाइनल या फाइनल में खेलेंगे? ओडीआई में ऐसी फॉर्मेट से खेलेगा तो जीतेगा, वरना नहीं जीत सकता भाई। क्या डर डर के खेलना, मतलब मॉडर्न क्रिकेट है भाई। सपोर्ट करने आप ही की बात है कि आप कह रहे हैं कि ठीक है रोहित शर्मा ने स्टार्ट किया, पहली गेंद पे आउट हो गया, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया अगर आप पीछे चले जाए, आप डेविड वॉर्न, मार्क टेलर, माइक हसी, स्टीवर्ट ब्लूट, माइकल स्लेटर, स्टीवो मार्क वो, इसी तरह डीन जोन्स तो दुनिया से जा चुका है, इसलिए मैकडोमेट, विटनी, माइकल क्लार्क, इस तरीके से बड़े बड़े जो नाम गुजरे हैं, इसी तरह से उनको आउट करना मुश्किल होता था। क्या नाम है माइकल बेविन, तो ये सारे लड़कों का क्या था कि विकेट जाने दो, रन रेट नहीं गिराते थे भाई, इनके बॉलर भी खेल गए थे। इस तरह कीपर थे इयान हीली, एडम गिलक्रिस्ट, तो ये लोग रन रेट को लेके चलते थे। ऑस्ट्रेलिया टीम पहुंची हुई टीम होती थी, आज पता नहीं उनको भी नजर खा जाती है, सवाल कर जाता है सोच में। लेकिन मेरे कहने से ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड से क्या सीखा आपने सबक? 30 से 40 रन न्यूजीलैंड लाजमी आपकी फील्डिंग में बचाता है, वो बच जाता है, सही है। दूसरी बात तो वो एफर्ट नजर आने लगता है, उसके अलावा विकेट गिरने दें। अच्छा हमारे टीम को तो ये समझ में मुझे नहीं आ रहा है कि एक टुक दूसरा टुक तीसरा टुक, पांच बॉल टुक किया, छठा बॉल में एक रन बना लिया भाई। स्ट्राइक तो रोटेट करो, आप देखो आप जो क्या कर रहे हो, टारगेट देने जा रहे हो। यकीन करो मैं कह रहा हूं कि घबरा गई थी इंडियन टीम, यकीन करो। मैं बोला मेरे दिल की आवाज थी जो बोला, बिल्कुल अगर ये उसी जिस तरह खेल रहे थे उस तरह खेलते, इख्तिताम अगर उसी तरीके से होता तो यकीन कीजिए इंडियन टीम अगर आज हार नहीं जाती तो मैं गंजा होने को तैयार था। मैं जो कहा था आपको इंडियन टीम हार जाती मैं लिख के दे रहा हूँ, लेकिन कहने का मकसद है अचानक पता नहीं कहां से आवाज आ गई। तो आप फाइनल में होंगे ना, वो फाइनल में आप पहुंचो तो पहले ऐसी टीम लेके पहुंचेंगे ना हकीम साहब। अगला मैच भी हम हारेंगे, उसके बाद सारे जीतेंगे। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि शायद हम सब मैच हारे, जो मुझे जो अब अगर परसेंटेज मांगेंगे ना अफगानिस्तान के खिलाफ भी तो 99% अफगानिस्तान जीत रहा है, 1% हम पाकिस्तान को दे रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया भी 99%, 1% आपका मैच ही क्या रह गया? साउथ अफ्रीका वो बम्बू करने के लिए तैयार है, सही है। उसका वो क्या नाम है कलर बम्बू मेलकोरम, वो उसको वो जा रहा है, उसको डी क्या नाम मिलर उसको, मिलर को आप देखो, उसके बाद आप उधर कोड जो कप्तान है जो सो जाता जल्दी उसको देखो, खेल के दिखा रहा है। तो वो साउथ अफ्रीका से आप क्या जीतोगे? न्यूजीलैंड वो पहले का कोई वाकया था, अच्छा जो रिकॉर्ड हमने बनाया हुआ है चलो अच्छा है ना, अगर वाकई दोस्ती यारी है पर्चियां हैं तो फिर अच्छा है, अगर हम हार जाए। मैंने ये सोचा था दोस्ती यारी पर्ची तो सब कुछ है, टीम जो है ना सिलेक्शन से नहीं हुई, लेकिन मैंने ये सोचा था इंडिया में अगर जाना है तो सेमीफाइनल तक पहुंचना है, भले फाइनल तक ना पहुंचे, इज्जत बचाने के लिए सेमीफाइनल तक पहुंचनी चाहिए इस टीम को, जैसे भी ये बैक करना चाहिए। असल में हमारी टीम के अंदर एक सेमीफाइनल में अगर नहीं जाएगी यकीन मानो इंडिया से ये फिर जो है ना मुंह छुपाते हुए आएंगे फिर एयरपोर्ट में। फिर यार आज आप 20 ओवर पहले हार गए यार, कुछ तो सोचो। हारने के बावजूद भी अगर हम सेमीफाइनल में पहुंचते हैं तो बड़ी बात है, कम से कम इज्जत बच जाएगी अगर सेमीफाइनल तक पाकिस्तान पहुंचे। दिल में तारे देख रहे हो, सपने देख रहे हो, पता नहीं क्या देख रहे हो, देखना पड़ेगा ना। सपने इसलिए देखा कि श्रीलंका को इन्होंने 345 चेस कर लिया। और एक और चीज मुझे समझ नहीं आ रहा, शायद याद होगा आपको या नहीं होगा, उस टाइम छोटे होंगे 1992 के वर्ल्ड कप में याद होगा मार्टन क्रो जो कप्तान जो हुआ करता है, मेरे ख्याल से हुआ करता है, तो मार्टन क्रो जो है वो ब्लैक कैप जब स्टार्ट लिया था तो मजा आता था वहां पर, ऑस्ट्रेलिया मैच था न्यूजीलैंड में मैच, तो हम लोग जब सुबह के टाइम मैच देखते थे तो ज्यादा मजा आता था कि सुबह से बैठ जाते, तो उस टाइम टीवी हुआ करता था, तो उसने जब अटैकिंग बॉलिंग कराता था वो दीपक पटेल से करवाता था, स्पिनर था पहला ओवर, तो वो ओवर उसको जो निकाल लेता था, और उसके फास्ट बॉलर सेकंड कराता था डेनी मॉरिसन जिसमें आमिर सुहेल आउट हो गए थे। तो कह रहे हैं मकसद ये आ रहा था कि वो
चीन बेचारी आज तक रो रही है, यानी हम जैसे इंडिया से रो रहे वो भी हमारे से रो रही है। वो इतने परफॉर्मेंस दिया मुसलसल यही तरीके से, नौ टीम थी उस टाइम, आज 10 है, वो नौ टीम जीते 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 इत्तेफाक से जो आखिरी मैच पाकिस्तान से पड़ गया, उनकी बदनसीबी बदबख्ती वो आप कह सकते हैं कि दोबारा वो अगर तारीख दोहराया तो शायद हो जाए, तो वो ये हुआ एक मैच उन्होंने पाकिस्तान को इससे जीतना था। अच्छा इससे जीते, अच्छा ये किसी से अनबीटेबल, ये किसी से हारा ही नहीं था और इत्तेफाक से पाकिस्तान से हार गया। अच्छा जब पाकिस्तान से हार गया अब रह गया कि ऑस्ट्रेलिया वेस्ट इंडीज से जीतेगा, ऑस्ट्रेलिया वेस्ट इंडीज से जीतेगा तो पाकिस्तान सेमीफाइनल खेलेगा। हमने कहा यार ये छोड़ो दफा करो, ऑस्ट्रेलिया वेस्ट इंडीज से, जब वेस्ट इंडीज तो काली आंधी के नाम से मशहूर था, याद होगा आपको ब्रायन लारा और बैट्समैन हेंस, हेंस का मेरे ख्याल से शायद रिटायरमेंट का टाइम था, तो जब हेंस जो आया और ब्रायन लारा आया ये लोग खेल रहे हैं तो जिस तरीके से बैटिंग चल रहा तो आउट ही नहीं होता। फिलिप सेवंस भी थे और मेरे ख्याल से एन बिशप, कटली एम्ब्रोस को तो ऐसे ही रिकॉर्ड अच्छा था, 10 ओवर 6 मैचेस और 10 रन। तो हमने कहा इसमें तो वेस्ट इंडीज आराम से जीतेगा, पाकिस्तान को टाटा बाय बाय करके जैसे T20 में हमको आना था। इत्तेफाक से यही हुआ कि भाई चल रहा इधर देख रहा हूँ भाई, अब बड़ी दुआएं कर रहे, इधर मेरी अम्मा को जो क्रिकेट समझ आता नहीं था, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, वो भी दुआएं कर रही, तस्बीह पढ़ रही। अचानक ऐसा हुआ कि सोच नहीं सकते भाई, वो जो उनका अचानक आउट होना शुरू हो गया भाई, वो ब्रायन लारा हुआ, बैट्समैन हेंस हो गया, लोगी आउट हुआ, फिलिप्स आउट होगा, इयान बिशप आउट हो गया, उसका कटली एम्ब्रोस हो गया, कटली वॉश हो गया, यानी कि समझ से बाहर। मेरे ख्याल से शायद मेलकम मार्शल उस टाइम था कि नहीं था, लेकिन बहुत तरीके स्पीड से विकेट गिरने लगे और वो हुआ जो सोच नहीं सकते थे, अचानक वेस्ट इंडीज जीत गया और नहीं अचानक ऑस्ट्रेलिया जीत गया, अचानक ऑस्ट्रेलिया जीत गया और वेस्ट इंडीज हो गया बाहर, वेस्ट इंडीज ने ऐसे किया, ये क्या हो गया। जिस तरह मेरे ख्याल से 99 में भी शायद ऑस्ट्रेलिया ने मार दिया था, एक ओवर में 10 रन चाहिए था लेकिन उसे चौका मार के उसका रिची रिचर्डसन वो चौका मारा और मार के सिंगल बना लिया बेवकूफ ने। आखिरी जो खिलाड़ी था वो पहुंचने के बाद उसने फ्लेमिंग ने उसको बोल मार दिया, तो आखिरी विकेट से वो जीत गया, अगर वो विकेट पे होता तो शायद। तो कहने का मकसद ये आया कि उस पर फिर हम बोला ऑस्ट्रेलिया जीत गया, तो ऑस्ट्रेलिया तो अनफॉर्चुनेटली नहीं आ सका, लेकिन पाकिस्तान सेमीफाइनल में किससे टकरा पड़ गया भाई, न्यूजीलैंड से। न्यूजीलैंड से जब पहुंचा तो भाई न्यूजीलैंड ने टॉस जीत के क्या किया, बैटिंग करेंगे, पहले उन्होंने कहा फील्डिंग करेंगे, पिछला जो मैच था उसमें तो वो 119-120 पे आउट हो गए थे, ऐसा कट बैटिंग में ये बस शॉर्टकट में दे रहा हूँ कि आप लोगों को शायद तारीख में याद दिला रहा हूँ कि हकीम साहब मैच के इतना शौकीन थे। तो जब टॉस जीता मार्टन करो बहुत खुश, ओहो बोला, क्योंकि उस टाइम वसीम अकरम से ब्रायन यंग नाम था ओपनर आता था और वो भी बहुत जबरदस्त, उसने कहा यॉर्कर जो वसीम देखता है, मैं आज तक मेरे वसीम का यॉर्कर आज तक वैसा नहीं देखा, तो शुरू के विकेट वो 2-3 विकेट आराम से ले लेता था, वकार यूनुस भी था लेकिन वो बहुत दूर से स्पीड ले के आता था वसीम अकरम। तो उसके बाद ये हुआ कि ये लोग शुरू हुए और क्रिस हैरिस भी बॉलिंग कराता था, ऑलराउंडर था, डैनी मॉरिसन और उसके बाद लार्सन, गिवन लार्सन बहुत जबरदस्त बैट्समैन बॉलर था। तो ये परफॉर्मेंस के पता चला भाई 263 स्कोर कर लिया, 263 कर लिया। अब हमने कहा भाई ये 1992 में 263 264 कौन बनाएगा, लेकिन इमरान खान ने कहा घबराना नहीं है। क्या बोला इमरान खान ने, घबराना नहीं है, वहां से शुरू हुआ, वहां से घबराना शुरू हुआ भाई। हम लोग तो मेरी अम्मा कह रही बाबू 250 बनता नहीं है, क्योंकि उस टाइम ऐसा होता था लॉजिक बता दे चंद सेकंड का है लॉजिक, उस टाइम 15 ओवर में 50 बनता था, 30 ओवर में 100 स्कोर हुआ करता था, तब जाकर उस टाइम के स्कोर में 263 बना लिया भाई। परेशान सेमीफाइनल पाकिस्तान बड़े मुश्किल से अल्लाह अल्लाह करके पहुंचा और ये क्या कर लेता, मुझे लग रहा है कि तारीफ दोहरा रही है, मतलब तो पता चला साहब पे इतना घूमा है इसका घूमा है, यही है कि हो सकता है इस वर्ल्ड कप में भी पाकिस्तान यूं घूम के आ रहा है उसी तरीके से। फिर हम लोग खेले, हम लोग विकेट भी गिरने शुरू हो गए, डैनी मॉरिसन ने फौरन ओवर करा, मतलब को जाने जाने जितनी भी तारीफ की हकीम साहब ने, हकीम साहब के कहने का मतलब ये है कि हकीम साहब जो है ना फाइनल में नजर आ रहे हैं। आमिर सुहेली को उसे बाउंसर करा दिया था, शॉर्ट पिच बॉल करा के डैनी मॉरिसन वो आउट किया, आउट होने के बाद फौरन जो है 37 बॉल में मेरे ख्याल से इंजमामुल्लाह ने 60 रन किया था, नया नया यंगस्टर गया था ये। उसके बाद जो एक ओवर पहले मोइन खान,
49वें ओवर में जो दो छक्के जो मारा क्रिस हैरिस जीत गया पाकिस्तान, और वो आज तक याद है छह बॉल पहले पाकिस्तान जीता, छह बॉल पहले वही वहां पहुंचे, छह बॉल पहले 264 रन, मैच विन हुआ, फाइनल भी हमारे एक बार कप ट्रॉफी हमें, मुझे ऐसा लग रहा है 2023 तो पाकिस्तान जो है दो छक्के मोइन खान ने लगाए, पाकिस्तान जीत गया, इस बार भी हम फाइनल में पहुंचेंगे, यूं घूम के जाएंगे हकीम साहब की कहानी की तरह, फाइनल में मिलेंगे, लेट्स सी क्या होगा।